बुफो, आपको क्या लगता है क्या जडेजा को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का दूसरा T20I मुकाबला। दोस्तों, रोहित शर्मा और निकोलस पुरन एक और बार आमने सामने आए टॉस के लिए। दोस्तों, टॉस की हालचाल अगर हम आपको बताएं तो निकोलस पुरन ने टॉस को उछाला और निकोलस पुरन ने टॉस भी जीता, जिसके चलते निकोलस पुरन ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला और भारतीय टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। एक और बार रोहित और सूर्य कुमार यादव आए सलामी बल्लेबाज बनकर, लेकिन पहली गेंद पर इस तरह से शॉर्ट गेंद पर फंसाया मैकॉय ने रोहित शर्मा को। बल्ले का एज लेकर सामने खड़े फील्डर के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हो गए कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 0 रन बनाकर। दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका नाम था सूर्य कुमार यादव और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे श्रेयस अय्यर, लेकिन इन दोनों की भी जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दोस्तों, मैकॉय की इस गेंद पर बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का एज बैठे सूर्य कुमार यादव और पीछे विकेट कीपर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हो गए सूर्य कुमार यादव भी। 11 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते सूर्य कुमार यादव आउट हुए और दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दोस्तों, उनके बाद ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा श्रेयस अय्यर के रूप सोल्जर जोसेफ की इस गेंद पर। सामने खड़े डीवन थॉमस को अपनी कैच से बैठे श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद ऋषभ पंत ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, लेकिन वो भी गलती से अपनी विकेट गवा। दोस्तों, ऋषभ पंत अकील हुसैन की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए ओडियन स्मिथ, जिसके चलते ऋषभ पंत भी 24 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे और 60 रन पर 4 बड़े विकेट गिर गए भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, 60 रन हो चुके हैं, 8 ओवर हो चुके हैं, भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके हैं। ऐसे में जाडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप हो ही रही थी और एक छोटी साझेदारी इन दोनों के बीच में बन रही थी, तभी हार्दिक पांड्या फंस गए होल्डर की शॉर्ट गेंद पर। शॉट तो बड़ा खेल बैठे हार्दिक पांड्या, लेकिन गेंद गिरी सीधा ओडियन स्मिथ की गोदी में इस तरीके से जाकर, जिस गलते हार्दिक पांड्या 31 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर दिनेश कार्तिक आए बल्लेबाजी करने के लिए और उनका साथ दे रहे थे हमारे साथ जाडेजा, तभी जाडेजा भी उबेद मैकॉय की इस गेंद हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए रोमन पोवेल, जिस गलते इस मुकाबले में साथ जाडेजा 27 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद अब भारतीय टीम की रन की गति को आगे बढ़ाने का जिम्मा दिनेश कार्तिक के ऊपर था, तभी जल्दी रन बनाने के चक्कर में उबेद मैकॉय की इस गेंद को पीछे खेल बैठे कार्तिक और होल्डर ने डाइव मारकर शानदार कैच लपक ली और बड़ी विकेट मिली वेस्ट इंडीज को। खतरनाक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 7 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद ताश के पत्तों की तरह बह गई पूरी भारतीय टीम। उबेद मैकॉय की इस गेंद पर ओडियन स्मिथ को कैच देकर 10 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए रविचंद्रन अश्विन आउट होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद भुवनेश्वर कुमार भी मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए और अंतिम विकेट गिरी आवेश खान की, जो इस तरह से बोल्ड होकर रह गए आखिरी ओवर में होल्डर के हाथों, जिसके चलते भारतीय टीम मात्र 138 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खतरनाक फास्ट गेंदबाज उबेद मैकॉय ने 6 बड़े विकेट निकाले 4 ओवर में, जिसके चलते भारतीय टीम मात्र 138 रन पर ही ऑल आउट हो गए वेस्ट इंडीज के हाथों। दोस्तों, उबेद मैकॉय ने अकेले ही 6 बड़े विकेट निकाले सिर्फ 17 गेंद देकर अपने 4 ओवर में। टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों, वेस्ट इंडीज को जो शुरुआत की दरकार थी वही दिलाई काइल मेयर्स और उनके साथ पहले सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों की शुरुआत में ही जमकर पिटाई की। एक तरफ से ब्रैंडन किंग लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और काइल मेयर्स दूसरे हैंड से क्रिस गेल की तरह बल्लेबाजी करने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत ही 5 ओवरों में ही भारतीय टीम के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज परेशान कर रहे थे भारतीय टीम को। लगभग 50 रनों के आसपास की साझेदारी भी हो चुकी थी सलामी जोड़ी की, तभी रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को लगाया काइल मेयर्स के सामने। दोस्तों, आते ही हार्दिक पांड्या की इस गेंद पर स्वीप शॉट तो खेल बैठे काइल मेयर्स, लेकिन गेंद पीछे जा रही थी और बाउंड्री पर अश्विन ने शानदार कैच लपक ली, जिस गलत इस मुकाबले में पहले भी इस गेंद मिली भारतीय टीम को और पहली सफलता मिली काइल मेयर्स के रूप में। 8 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते काइल मेयर्स आउट हुए। उनके बाद मैदान पर कप्तान निकोलस पुरन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इस मुकाबले के असली विलन बने भारतीय टीम के लिए ब्रैंडन किंग, जो शुरू से इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, अर्धशतक तक पहुंच चुके थे और निकोलस पुरन खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में कप्तान निकोलस पुरन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे सेट हो चुके पहले सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग। दोस्तों, दोनों के बीच में एक छोटी मोटी साझेदारी हो ही रही थी, तभी अश्विन की इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेल बैठे निकोलस पुरन, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जो और कोई नहीं जाडेजा ही निकले, जिसके चलते निकोलस पुरन 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते कप्तान आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए शिमरॉन हेटमायर। दोस्तों, 2 विकेटें जा चुकी थी और वहीं पर दूसरे सलामी बल्लेबाज जो कि ब्रैंडन किंग तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। जी हां दोस्तों, ब्रैंडन किंग ने दूसरे T20I मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक लगाया और उनका साथ दे रहे थे शिमरॉन हेटमायर, तभी इनके सामने जाडेजा आ गए। जाडेजा की इस गेंद को टच तो किया शिमरॉन हेटमायर ने, लेकिन उन्हीं की गोदी में मार बैठे इस तरीके से गेंद और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए साथ जाडेजा के हाथों, जिसके चलते इस मुकाबले में 6 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए शिमरॉन हेटमायर आउट हुए। 203 विकेट गिर गए, लेकिन उसके बाद भी ब्रैंडन किंग तूफानी बल्लेबाजी करते रहे और उनका साथ देने आए डीवॉन थॉमस। दोस्तों, लगभग वेस्ट इंडीज ये मुकाबला जीत चुकी है क्योंकि 30 गेंदों पर 30 रनों की दरकार है इस तूफानी मुकाबले को जीतने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम को। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या जडेजा को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दे जाएं।